गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. इन प्रीवियस क्लास वी रीड लेसन सेकेंड ऑफ इंग्लिश. नाउ विल डू एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर. एट पेज नंबर 120 ऑफ योर इंग्लिश बुक एक्टिविटी वन इज गिवन. नाउ लुक एट क्वेश्चन फर्स्ट मीन्स ए. आपके क्वेश्चन ए में दिया हुआ है. सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में लेसन सेकेंड की रीडिंग कर ली थी और हमने उसमें वर्ड मीनिंग भी डिक्टेशन वर्ड भी किए थे. आज हम आपको वर्ड मीनिंग बताएंगे और उसके आगे की क्वेश्चंस करेंगे. सबसे पहले आप अपने बुक की पेज नंबर 120 पर एक्टिविटी फर्स्ट देखिए. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर. आपको कुछ प्राणायाम के स्टेजेस दिए हुए हैं, आपको उसको करेक्ट फॉर्म में करना है. ये क्वेश्चन आपकी बुक में ही रहेगा, आपको नोटबुक में नहीं करना है, पर आपको समझना है ये. तो आप प्राणायाम करते हो सबसे पहले आसन में बैठते हो ऐसे, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई. देन आप रेचक करते हो. रेचक मीन्स सांस अंदर लेना. तो सांस अंदर इसमें कैसे ले रहे हैं, ये पोजीशन है सांस अंदर लेने की, तो सेकंड पोजीशन ये हो गई. देन दूसरी साइड से सांस कुंभक होता है, सांस बाहर निकालना. तो ये सांस ये बाहर आ रही है, ये थर्ड पोजीशन हो गई. अब आपने इस साइड से सांस ली थी तो आप दूसरी साइड से लोगे, तो फोर्थ पोजीशन ये हो जाएगी और ये सांस बाहर लेना, ये फिफ्थ पोजीशन हो जाएगी. ओके, जैसा कि आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ है इस टाइप से. ठीक है, बी क्वेश्चन है मैच द नेम विद द पिक्चर. तो ये करेक्ट आंसर दिए हुए हैं. कुंभक, कुंभक मीन्स होता है सांस बाहर छोड़ना. रेचक मीन्स होता है सांस अंदर लेना. और पूरक मीन्स होता है अंदर सांस लेना. प्राणायाम की यही प्रोसेस होती है. एक साइड से हम सांस लेते हैं नॉस्ट्रल से, उसको अंदर रोकते हैं और दूसरी साइड से छोड़ते हैं. नेक्स्ट आपका सी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे. इसका मतलब शिवम राजू के साथ एक दिन पार्क में गया था. नहीं, शिवम तो नितिन के साथ गया था. तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत है. तो आप यहाँ पे लिख दोगे फॉल्स. नेक्स्ट है दे सॉ सम पीपल मेकिंग पोस्टर इन द मिडिल ऑफ द पार्क. उसने क्या देखा कि पार्क में कुछ लोग पोस्टर बना रहे थे. नहीं, पोस्टर नहीं बना रहे थे, ये भी गलत है. द कंट्रोल एंड एक्सेप्शन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम. इट इज ट्रू. प्राणायाम इंक्रीज अवर हार्ट रेट. नो, वो स्लो करता है. तो ये भी फॉल्स हुआ. इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम. नो, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू प्राणायाम. ठीक है, ये कह रहा है कि इवनिंग है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ. हाँ, अंदर सांस जब हम रोक लेते हैं उसको क्या कहते हैं, कुंभक. तो ये ट्रू है. ओके, नेक्स्ट डी दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन आपका है वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग. नितिन और शिवम एक दिन मॉर्निंग में कहाँ गए थे, वो पार्क में गए थे. नितिन एंड शिवम वन डे इन द मॉर्निंग वेंट टू अ पार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राणायाम. प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. नेक्स्ट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम. प्राणायाम के क्या लाभ है, बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम. फर्स्ट, इट स्लो डाउन हार्ट रेट. ये हमारी हार्ट रेट को स्लो करता है. इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को हमारे कम करता है. इट रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी और माइंड को आराम देता है. इट इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स हमारी लाइफ को बढ़ाता है ये. इट इज व्हाट इज पूरक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पूरक. पूरक क्या है, आंसर इन दिस प्रोसेस राइट नोस्ट्रिल इज प्रेस विथ राइट हैंड थंब. इसमें क्या होता है, राइट नोस्ट्रिल हमारी, उसको हम अपने राइट हैंड के थंब से प्रेस करते हैं, दबाते हैं. देन वी ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल. राइट को हमने दबा दिया, बंद कर दिया और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ली. दिस इज डन टिल द लंग्स आर फुल. और इतनी सांस लेना कि हमारे लंग्स पूरे ऑक्सीजन से भर जाए. ये प्रोसेस हुई पूरक. हाउ डू यू क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक. वाइल परफॉर्मिंग रेचक वी क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ आर रिंग फिंगर. आप अपनी जब आप रेचक कर रहे हो, रेचक मीन्स सांस छोड़ना, तो जब आप रेचक कर रहे हो तो आप अपनी राइट से आपने सांस ली, ठीक है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ोगे. तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कैसे करना है आपको, रिंग फिंगर की हेल्प से.
नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड गिवन ब्लो. आपको ये कंप्लीट करने हैं लेटर फिल करके. फर्स्ट है नो स्ट्रिंग, NOSTRIN नो स्ट्रिंग. सेकेंड है ब्रीथ, BRE लिखेंगे आप यहाँ पे, TH ब्रीथ. थाई, थर्ड है थाई. फोर्थ इज थंप, ANKLE एंकल लिखोगे. रिलीज की, सिक्स्थ है रिलीज, RELEASE रिलीज. नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. तो कुंभक इज द प्रोसेस, कुंभक क्या प्रोसेस होती है, अपने अंदर सांस को रोकना, ठीक है. तो कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, आपको यहाँ पे ये फिल करना है. रेचक, नेक्स्ट है रेचक. रेचक क्या, रेचक में क्या होता है, हम सांस छोड़ते हैं. तो रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, सांस छोड़ना. और पूर्वक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, सांस अंदर लेना. एक्टिविटी थर्ड में आपको एन, बट एंड और का यूज़ करना है. उसमें आपको बताया गया, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और वर्ड्स दिए हैं एन, बट और और. आपको इनका यूज़ करके ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. एन मीन्स होता है और, बट मीन्स लेकिन, और मीन्स हिंदी वाला या, ठीक है. तो अब आपको इसका मीनिंग समझना सेंटेंस का और फिर ये वर्ड्स फिल करने हैं. फर्स्ट है वी वेंट टू द स्टेशन डैश द ट्रेन हैड गॉन. मैं स्टेशन पर पहुंचा लेकिन ट्रेन जा चुकी थी. तो लेकिन के लिए क्या यूज़ करेंगे, बट. तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, बट. नेक्स्ट इज है मोस्ट पीपल वर्क इन द डैश स्लीप एट नाइट. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड. थर्ड इज द बस वाज क्राउडेड बट आई मैनेज टू गेट इट. बस में बहुत भीड़ थी पर मैंने क्या कर लिया, बट, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया. ऑन अ वार्म समर डे विल यू वेयर अ ब्लैक शर्ट और अ वाइट शर्ट. और मीन्स या, तो गर्मियों में, गर्म दिन में आप क्या पहनोगे, ब्लैक शर्ट या वाइट शर्ट. तो या की जगह हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, और. आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यूज़पेपर डैश डिड नॉट हैव इनफ मनी. आई वॉन्टेड टू बाय न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे इनफ उसको खरीदने के लिए. तो लेकिन के लिए क्या यूज़ करते हैं, बट. आई वेंट होम एंड प्ले कबड्डी. यहाँ पे कबड्डी है. तो वी वेंट होम एंड हम घर पहुँचे और हमने क्या खेला, कबड्डी. माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर ओल्ड बट हर डैश हर आइज आर स्टिल शार्प. अब मेरी ग्रैंड मदर 80 ईयर की हैं लेकिन उनकी आँखें अभी भी एकदम तेज हैं. आई कॉल्ड हिम बट ही डिडंट आंसर. मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने मुझे आंसर नहीं किया. तो आंसर उस लेकिन के लिए क्या आएगा, बट. विल यू टेक मिल्क और लस्सी, मीन्स आप मिल्क लोगे या लस्सी लोगे. तो या के लिए. एक्टिविटी फोर्थ है आपकी, इसमें आपको ये पिक्चर्स दी होंगी. नेम ऑफ सम बॉडी पार्ट आर गिवन बिलो, योर टीचर विल रीड दैम अलाउड एंड यू विल पॉइंट एट दैम. अब आपको ये पार्ट्स दिए हों और ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ये पार्ट्स पहचान के उनके नेम लिखने हैं. तो ये किसके है, नोस्ट्रिल के लिए है. ये आपके रिंग फिंगर हैं, ये लंग्स हैं, ये मिडिल फिंगर है, ये थाई है, ये लिटिल फिंगर है, ये हार्ड है और ये लैग की पिक्चर है. आपको ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ. टुडे आई हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड लेसन सेकंड ऑफ इंग्लिश. सो यू हैव टू राइट, टुडे यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स, मींस क्वेश्चन सी से स्टार्ट करना है. यू हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन सी. क्वेश्चन सी में आपको ट्रू फॉल्स दिया, आपको वो इंग्लिश की नोटबुक में करना है. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स डी, फिर एक्टिविटी इन एक्टिविटी सेकंड क्वेश्चन ए एंड बी एंड एक्टिविटी थर्ड. इतना आपको आज अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में करना है. ओके, थैंक यू.